राम राम साहब, मैं हूँ प्रिया। मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल प्रोसेस रिएक्शन 2.0 में। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देने वाले हैं सीनियर शिवराज मूवी के एक और सीन पे, जिसको हम कह सकते हैं अफजल खान एक्सेप्ट चैलेंज। और पिछले वीडियो हमने देखा था कि इसमें मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की मतलब एंट्री और अफजल खान की भी एंट्री हुई थी। तो अब हम ये सीन पहले देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहीं समझ लो नहीं बड़ी बेगम साहिबा। समझे नहीं या समझना नहीं चाहते? आपके बेटे ने खुले आम बगावत का आगाज किया है। 2 साल हो गए शिवाजी ने जावली पर कब्जा किया है। आए दिन रोज एक बुरी खबर लेकर हमारे वजीर आलम अपना मनहूस चेहरा दिखाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये बीजापुर भी शिवाजी के हाथ में चला जाएगा। क्या आप यही चाहते हैं शाहजी रोजे? बड़ी बेगम साहिबा, हम तो आपके पुराने और वफादार खादिम हैं। हम ऐसा क्यों सोचेंगे? तो समझाते क्यों नहीं अपने फर्जंद को? क्या वो आपके भी सुनता नहीं? दुरुस्त फरमाया बड़ी बेगम साहिबा। अगर ऐसी बात है तो शिवाजी के बारे में ये दरबार जो भी फैसला लेगा उसके लिए क्या आप रजामंद हैं? बेगम साहब, आमचं तर म्हणणं असं आहे की आपल्यापैकी एखाद्या नामांकित सरदाराला पाठवून शिवाजी राजांना जेरबंद करून दरबारात आणाव। पाहिजे तर आम्ही त्यांची आपल्या समोर समजूत काढण्याचा प्रयत्न करू। विचारा कोण आणेल शिवाजी राजांना इथपर्यंत जेरबंद करून? आजम, दरबार में इस मुहिम के लिए माँ बदौलत की तरफ से जिम्मेदारी और मुखलिफत का बीड़ा रखा जाए। सूरमा जो उस नामाकुल सिवा को हमारे कदमों में लाकर पटक सके। लादत है क्या इस पूरे दरबार में कोई मर्द बचा नहीं? वो सब डरते हैं। हम हैं जिल्ले लाही अफजल। मैं अफजल खान मोहम्मद शाही शिवा को आपके सामने लाऊंगा, जिंदा या मुर्दा। अफजल खान जिंदाबाद। अफजल खान जिंदाबाद। आदिल शाही जिंदाबाद। अफजल खान जिंदाबाद। आदिल शाही जिंदाबाद। अफजल खान जिंदाबाद। शाबाश बहादुर, शाबाश वजीर आजम अफजल खान मोहम्मद शाही को माँ बदौलत की तरफ से जो भी असला खजाना जरूरी हो वो फौरन अदा किया जाए। वफादारी का चोला ओढ़े हुए कुछ गद्दारों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। विश्वास दिगे बर जर तू आलास ये
एक काम कर, बहिर्जी कुठे आहे ते बघ जी, आणि त्याला आमचा तातडीचा निरोप दे. त्याला म्हणा मामा भोसल्यांचा कट्टर वैरी असलेला अफजल खान याला बडी बेगमनं चिरंजीव सिवांच्या मोहिमेवरती मुकर्रर केलंय. अफजल खान दोस्तो, पूर्वीचा वाईचा सुभेदार, आली आदिलशहाच्या गळ्यातला ताईत, ह्यानंच विजापूरमधनं आमची हातापायात साखळदंड घालून हत्तीवर धिंड काढली होती. शहाजी राजे भोसले. कनकेरीच्या वेढ्यात थोरले चिरंजीव संभाजी राजांचा विश्वासघात करून हकनाक पळी घेतला. ये शहाजी भोसले का बेटा है, मरने दो इसे. आमच्या पैकी कोणतरी भोसले तुझा सूड घेतल्याशिवाय राहणार नाही. भोसले त्यानं श्रीरंगपट्टणच्या आणि कर्णपुरमच्या राजाचा, वेदनूरच्या वीरभद्राचा आणि बसवापट्टणच्या केंग नायकाचा त्यागाबाजीनं खून केला. एक दोन दिवसात तो फौज घेऊन विजापूरमधनं बाहेर पडेल. तू त्याच्या छावणीच्या आसपास राहा, त्याच्यावरती नजर ठेव. त्याच्या प्रत्येक हालचालीची एकदमभूत माहिती चिरंजीव सुभांना कळवत राहा. ये तू. दादा, आपने मुझे याद किया मलिकायालिया. कुछ चीजें हम दरबार में नहीं बोल सकते, इसलिए आपको यहाँ बुलाया है. जी. या तो आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए, या उससे दोस्ती का बहाना बनाकर उसे ठग लीजिए. याद रखिए, हमें सिवा की माफी या गिरफ्तारी नहीं, सिर्फ उसकी मौत चाहिए. ये तो मेरे लिए और भी आसान है मलिकायालिया. आदिलशाही जिंदाबाद. अफजल खान जिंदाबाद. छावनी में सब लोग दाखिल हो गए. जी हुजूर. आपके इमदाद के लिए यहाँ याकूत खान जी, हसन खान पठान, अंकुश खान, नाइक जी पांडरे, खुरपड़े, पीलाजी मोहिते, प्रतापराव मोरे, शंकराजी, ऐसे मराठा मुल्क के कई जानकार सरदार भेजे हैं. और इन सबसे अव्वल आपकी वकालत करेंगे शातिर दिमाग कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी. इस बार हमारे फर्जंद फाजल खान हमारे साथ हमारी फौज की अगुवाही करेंगे. मरहबा, मरहबा, शुक्रिया बसरत. आप सब लोग सोच रहे होंगे हमारे रूहानी उस्ताद वली साहब के मना करने के बाद भी हम ये मुहिम क्यों जारी रख रहे हैं. लेकिन हम जानते हैं हमारी ख्वाहिश पाक है, इसलिए दीन के दुश्मन शिवा को निस्ते नबूद करने तक हम ये मुहिम मुकर्रर ही रखेंगे. सब जाइए अपनी अपनी टुकड़ियां संभालिए, कल सुबह हम कूच करेंगे. नाव काय त्या सरदाराचं? जी भोसले कुळाचा कट्टर वैरी.
सोलापुर की तरफ। कई सारे लोग उनसे भी मिल गए अफसर से, याचा अर्थ खान स्वराज्याची वाट सोडून सोलापूरच्या वाटेला निघाला, नाहीतर तो थेट जत मंगळवेढा पंढरपूर मार्गे स्वराज्याकडे यायला हवा होता। धनी, खानाच्या डोसक्यात नक्की काहीतरी अडतक चाललंय। खानाच्या छावणीत गवताची गाडी जरी हल्ली तरी त्याची खबर टाकोटाक राजगडापर्यंत पोहोचेल याची तजवीज करून ठेवा। मोरोपंत, स्वराज्यावरचं हे संकट मोठं आहे, 2 दिवसात सदरेवरच्या सर्व सल्लागारांना बोलाव घ्या। जी महाराज, येतो येतो जी। नाईक जी, हे युद्ध कुठल्याही थराला जाऊ शकत। खान खूप भव्य आहे असं आम्ही ऐकू, उद्या जर समोरासमोर अंगेजणीची वेळ आलीच तर तो नेमका किती थोराड आहे हे आपल्याला माहित असायला हवं। येतो जी आवसाब। खुशामदीद वली साहब, खुशामदीद। वो जान, ये तो फजल खान, रूहानी शख्स इसी तरह होते हैं। चलो इनसे मिलते हैं। हम आदिल शाही के वफादार बंदे हैं, ये मुहिम हमें हर हाल में जारी रखनी पड़ेगी, चाहे हमें मौत ही क्यों ना आ जाए। अब नहीं मरोगे असलम। आजू-बाजू हिफाजती घेरा बना दिया है, आओ बेटा गले लग जाओ। खुदा खैर करे, अब बाजू हट जाओ माला करम। सो गाइस, ये था सिर्फ शिवराज का सीन। हाँ, और इसमें दिखाया गया है कि अफजल खान एक्सेप्ट करते हैं चैलेंज को कि मैं लेके आऊंगा छत्रपति शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा। और फिर उनको बोला जाता है कि आपको उन्हें ना तो पकड़ना है
ना उनको जिंदा लाना है, बस हमें उनकी मौत ही देखनी है। और वो बोलता है ठीक है ये तो मेरे लिए बहुत, और ये भी बात बोली जाती है कि आप अगर आपको भरोसा है अगर अपनी ताकत पे तो आप युद्ध लड़िए जाके, अगर आपको लगता है कि मतलब उससे दोस्ती का उसको उनको धोखा दे मतलब धोखा हाँ जैसे तो आपको छल बल जो आपको करना है आप करो और छत्रपति शिवाजी महाराज को लेके आओ और मार दो, ये उनको बोला जाता है। और वो एक्सेप्ट करते हैं चैलेंज को, वो बोलते हैं ठीक है ये मेरे लिए बहुत इजी बात होगी। और वैसे इस सीन में हमें ये भी दिखाई शाहजी भोसले भी दिखाए इस सीन में, और वो शायद छत्रपति शिवाजी महाराज के फादर थे। और इसमें एक और सीन दिखाया था जिसमें वो अफजल खान मारता है किसी को, वो पकड़ के लेके आते हैं। और दूसरे सीन में जिसमें अफजल खान मारता है क्योंकि वो स्टोरी बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था और फिर मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ था, तो मुझे लगता है ये बड़े भाई मेरे ख्याल से हाँ, तो उनका भी वध मतलब ये अफजल खान ही करता है। ये स्टोरी हमें एक्चुअल में इतना मतलब पूरी पता नहीं है, आपको अगर नॉलेज है तो आप प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि तो हमें ये मतलब जानने की काफी ज्यादा हो रही है कि ये सीन जो दिखाया गया वो हाँ, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये हाँ, इस तरह का सीन दिखाएंगे। इसमें शाहजी भोसले भी दिखाएंगे हमें, और मतलब वो वहाँ पे उनके मतलब फादर छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आदिलशाही सल्तनत में वहाँ फोर्ट में क्या कर रहे हैं, आप हमें प्लीज कमेंट में जरूर बताना क्योंकि हमें ये जानना बहुत मतलब, क्योंकि हमें जो चीजें पता नहीं होती वो अगर हमें पता चलेगी तो हमें और ज्यादा नॉलेज होगा हिस्ट्री के बारे में, तो और हम और ज्यादा इस मूवी को मतलब कनेक्ट कर पाएंगे, तो हमें कमेंट में जरूर बताना। वैसे इस मूवी में एक और सीन वो दिखाया ना जिसमें अफजल खान निकल जाता है अपनी सेना लेके, और फिर जो मैप दिखाते हैं वो सेना और फिर वो मैप दिखाते हैं, वो सीन भी काफी अच्छे से दिखाया गया है। अफजल खान के साथ मतलब कितने मतलब मराठी सरदार भी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते भी दिखाते कि ये मतलब कौन कौन है जो सरदार उनके साथ, जो कट्टर दुश्मन है जो छत्रपति शिवाजी महाराज को पसंद नहीं करते तो वो लोग जाके उनसे हाथ मिलाते हैं। ये तो मतलब बहुत ही टाइम से ये चीजें तो होती है ये कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वो इस तरह से तो हाथ मिलाते ही है। और शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत ज्यादा मतलब जिसे बोल सकते दिमाग बहुत अच्छे से चलता था, उनको सब पता रहता है कि उनके आसपास कौन क्या कर रहा है, और उनकी जो नीतियां है ना मतलब उनके जो तरीके हैं चाहे युद्ध कौशल देख लो उनका या फिर अलग अलग तरह की टैक्टिक से युद्ध लड़ते हैं, तो वो जो गोरिल्ला नीति है उनकी वो भी अलग तरह की। तो गाइस लास्ट के सीन में जब मौलवी की एंट्री होती है तो ये मुझे लग रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको भेजा होगा, क्योंकि एक सीन में बताया भी जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज पूछते हैं कि उनका मतलब माप क्या है, वो कितने मतलब लंबे चौड़े हैं, तो उस हिसाब से कैसी है क्योंकि ये उनको पता नहीं होता है, तो फिर वो मुझे लगता है उन्होंने ये ऐसा भेष बदलवा के किसी को भेजा है मापने की कोशिश करते हैं कितना किस हिसाब से, तो उस ऐसे तो लगा कि लग ये रणनीति छत्रपति शिवाजी महाराज की होगी ऐसा हमें लगा। वैसे हमें अभी तक में ये जो दोनों सीन दिखे काफी अच्छे लगे और जिस तरीके से मतलब शूट किया गया जिस तरीके से विजुअल दिखाए जा रहे हैं और जैसे मतलब लोकेशन दिखाई जा रही है सेट दिखाए जा रहे हैं वो काफी अच्छे लग रहे हैं, और एक्टिंग में तो मतलब बहुत ही सबकी बहुत ही अच्छी सबकी एक एक कैरेक्टर जो इसमें दिखाया गया ना उनकी पूरा जस्टिस कर रहे हैं अपने कैरेक्टर के साथ इतने अच्छे से एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये दोनों सीन हमें काफी अच्छे लगे। अब इसके आगे क्या होने वाला है ये ज्यादा मतलब जानना जरूरी रहेगा, जो जो हमने आपसे पूछा है कि हमें कुछ बातें समझ में नहीं आई वो आप जरूर से हमें कमेंट में जरूर बताना कि हमें भी मतलब नॉलेज में आ सके। और हमें ये सीन भी काफी अच्छा लगा, और आपको इस सीन में से कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अभी करते हैं इस वीडियो का एंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल को यूं बनाए रखना। सो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।